हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष एंड मुस्कान ब्लॉग्स। तो आज हम जाएंगे जहां पर मेरे नाना ड्यूटी करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं, वो पहले देख लीजिए कि ये है ओवरफ्लो सिस्टम। ये अंग्रेजों ने बनाया था और जब भी तालाब पूरा भर जाता था बारिश से तो इधर से ओवरफ्लो होकर उधर से निकल जाता था। ये सिस्टम बहुत अच्छा था, अभी मेरे नाना ने बताया मुझे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे और भी चीज़। आगे जा रहे हैं अभी हम लोग, रास्ता में अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अभी देखिए पीछे बहुत मस्त सीन दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे का सीन एकदम पूरा हरा भरा है। इधर इधर पहले क्वार्टर हुआ करता था, अभी तोड़ दिया गया है पूरा। देखिए इधर पूरा पत्थर ही पत्थर है, आगे भी पूरा पत्थर है, यहाँ पर ऊपर से सद्भावना भी है, पूरा हर जगह पत्थर है। इधर भी पत्थर 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 ही पत्थर, और भी आगे आपको चल के अभी दिखाता हूँ मैं। आगे भी जाऊँगा मैं, वहाँ पे फिल्टर है तो चलते हैं। गाइस ये देखिए कितना पत्थर है यहाँ पे, और यहाँ पत्थर का बीच में बहुत सारा पेड़ भी उगा है, मतलब बहुत ऊंचाई पे है, इसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो गाइस देखिए वहाँ पे, जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे बहुत बड़ा बंगला था, यहाँ पर मैं हाजिरी होता था, और यहाँ पर ही जो जिसका जिसका हाजिरी होता था वो लोग यहाँ पे सोता था। और इधर भी पूरा मस्त सीन है एकदम, इधर एक पेड़ एकदम 90 डिग्री एंगल पर पता नहीं कैसे खड़ा है। तो चलिए और आगे जाते हैं। अभी देखिए पीछे अभी हम लोगों का पानी फिल्टर है, यहाँ पर ही मतलब यहाँ से पानी फिल्टर होता था। चलिए आपको ऊपर चढ़ के भी दिखा देते एक बार। ये देखिए पानी फिल्टर है यहाँ का, यहाँ पर पूरा पानी फिल्टर होता है। अभी इधर से गंदा पानी रहता है, इधर से साफ पानी निकाला जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आगे मोटर है, यहाँ से पानी पंप होता है, और यहाँ पे पानी है। ये जो है यहाँ पे पूरा पानी अंदर में है, और ये सप्लाई पानी है, इधर से सप्लाई होता है पानी। इसलिए इसके अंदर भी चल के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा घुसा है, ये पानी। हाँ ये पानी है आगे में, और ये क्या है? ये जो है ना, ये वाला रोटो का सप्लाई देता है टैंकर का। ये वाला जो है ना, हाँ ये सप्लाई है, क्वार्टर सप्लाई का। ये क्वार्टर सप्लाई है, ठीक। बस अंदर में इतना था, तो अभी और भी आगे जाएंगे हम लोग। चल के एक बार देख लेते हैं पीछे। ये देखिए पीछे कुछ ऐसा है मैकेनिज्म सब, वहाँ पे भी एक पानी पानी टंकी है ये रहा, और ये और जो टैंकर सब आता है वहाँ वहाँ उसमें जो पानी जाता है वो यहाँ से जाता है, यहाँ से जो अंदर है। हाँ ये पानी टैंकर को टैंकर में जाता है, वहाँ से जाता है। इस तरह से हम लोग चल के अभी अंदर तरफ आए, और हम लोगों का ठीक आ गया। यहाँ पे एक बड़ा सा एकदम बड़ा सा पानी टंकी है, लगता नहीं पानी टंकी लेकिन इसके अंदर भी पानी स्टोर होता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ सब है, तो फिर मैं अभी जाता हूँ। अभी हम लोग आगे आए हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना है। देखिए अभी फ्रंट कैमरा में आपको दिखाता हूँ कितना गड्ढा है। यहाँ पर ही एक खदान था आगे में, और यहाँ पर बहुत यहाँ पर मतलब एक रास्ता है। देखिए उधर से आता है एकदम इधर गड्ढा, फिर इधर गड्ढा, और एकदम बीच में रास्ता है। यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा घूम सकते हैं, इधर से नीचे जाने का रास्ता है, वहाँ से मेरे भाई और मौसी आगे जा रही है। और पीछे नीचे बहुत बड़ा बड़ा पाइप सब भी लगा हुआ है, और एक गड्ढा नीचे देखिए एकदम गुफा जैसा दिख रहा है। ओ मेरे पापा इकरा में करते, ओ ये देखिए भैया अमलवा चले जाने जाइए अमलवा के। अच्छा इसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं? इसी के अंदर हम जाते थे ना, अभी नहीं जाएगा ना। अच्छा यानी मेरे जो नाना है वो इसी के अंदर जाते थे, लेकिन अभी नहीं जा सकते हैं, पहले जाते थे जब ड्यूटी करते थे। यही जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था तभी से। अभी नीचे जा के देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं, पूरा नीचे तो जा नहीं सकते। एकदम अजीब मतलब कैसे दिख रहा है, गुफा जैसा, बहुत डरावना फील आ रहा है। ऊपर पेड़ नीचे गुफा, बहुत डरावना है, बाप रे लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जा सकते हैं आगे। आगे जाके देखता हूँ मैं एक बार, बहुत डर टाइप का फील हो रहा है। आगे जा सकते हैं कि नहीं पता नहीं, इधर से मोटा मोटा पाइप से अंदर गया है, और आगे हम जा पाएंगे? पूरा अंदर गड्ढा है। फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, ऑन भी नहीं, फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं हो रहा है। अरे नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है, मैं तो जा रहा हूँ भाई। और कितना अंदर जाऊंगा मैं, मतलब पहले यहाँ पर मेरे नाना अंदर जाके बाहर पूरा अंदर ड्यूटी कर करके बाहर निकलते थे, अभी हम लोग इतना डर लग रहा है जा भी नहीं पा रहे, इतना डर लग रहा है कि और आगे नहीं जा पाएंगे, कि हम अंदर जा पाएंगे। इधर पूरा दीवार पूरा बना हुआ है, इधर भी पूरा दीवार बना हुआ है, पानी इधर पेड़ है, और यहाँ से पानी टपक रहा है, पानी भी टपक रहा है, और इधर से अंदर नहीं जा सकते।
जाना अलाउड है लेकिन जाऊंगा नहीं मैं, बहुत डर लग रहा है। अलाउड बस यहीं तक है, नाना का नाना हम लोग को अलाउड दी बस यहां तक, और अंदर जाने का उसके बाद नहीं जाने का अलाउड दी है। पूरा अंदर में दिख रहा है अभी, मतलब एकदम माइन जैसा दिख रहा है, एकदम माइन जैसा दिख रहा है इसका अंदर, इतने ही थोड़ी बहुत पूरा अंदर है, बहुत आगे तक है, बहुत अंदर में नाना जॉब करती थी तो सामने तो कुछ भी नहीं है, बहुत अंदर, बहुत अंदर, इतना अंदर, इतना अंदर कुछ कहने का नहीं, मतलब यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कम नहीं होता है गाइस, बहुत ज्यादा होता है। और भी उसके अंदर जाते थे, मतलब आप लोग रिलेट कर सकते हो 2 किलोमीटर कितना, बाबा रे बाबा, यहाँ से ऊपर का एकदम नजारा देखिए क्या ही मस्त, और यहाँ से रास्ता है, और अभी मैं यहाँ से ऊपर से आया था, यहाँ वो रास्ता से नीचे यहाँ पे एकदम अच्छा एरिया, यहाँ बहुत डर टाइप का फील हो रहा है, पेड़ उड़ और यहाँ पे ये ईटा। तो गाइस चलिए और आगे कुछ होगा तो देखते हैं, एक बार अंदर जाके देखता हूँ मैं एक बार, पहले तो मेरा लेस खुला है, पहले लेस बांध देता हूँ। मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑन कर लिया है, बहुत डरावना फील आ रहा है, यहाँ से अंदर जा नहीं सकते अभी, जाना अलाउड है लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरी तो क्या ही बोलूँ मैं, अभी ऊपर चलता हूँ मैं, देखिए अभी ऊपर जा रहा हूँ, इस लेवल डरावना फील आया अभी हम लोगों को, और इधर देखिए पाइप सब है पूरा, मतलब पूरा सर्किट बना हुआ है, उधर जो फिल्टर है वहाँ पर भी यहाँ से ही कुछ कनेक्शन होता है, यहीं से पानी आता है, और अभी ऊपर जा रहा हूँ, पूरा इधर है पूरा एरिया मस्त मस्त वाला, आज तो नेक्स्ट लेवल वाला घूम लिया हम लोग, यहाँ पर पूरा पेड़ सब है, इधर इधर भी है पूरा पेड़ ही पेड़, और इधर भी, मतलब यहाँ पे एक डरावना टाइप का, डरावना फील देने वाला पेड़ है, क्या ही बोलूँ मैं, मेरा मुँह से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहा अभी इस एरिया को देख के, ऊपर से मैंने देखा तो लगा बस गड्ढा है, लेकिन नीचे जाके देखा तो पूरा गुफा कुआं ऐसे करके दिख रहा है पूरा। मैं अभी अपने नाना के साथ जा रहा हूँ आगे सद्भावना की तरफ, तो यहाँ पे देखने में एकदम क्या ही बोलूँ मैं, इतना पत्थर ही पत्थर, तो मैं आपको एक बार फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ, आप लोग भी देख सकते हो गए, तब दिखा देता हूँ मैं गाइस, क्या ही पत्थर ही पत्थर, एकदम अच्छा एरिया है, और इधर पेड़ इधर पत्थर, बीच में रास्ता, मतलब वैली जैसा लुक, एकदम मस्त, और ऊपर एक चोटी, बहुत अच्छा दिख रहा है ये एरिया, घूमने लायक जगह है, तो अभी और भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, और इधर पूरा पत्थर ही पत्थर है, और यहाँ पे रास्ता भी पूरा खराब है, इधर भी पेड़ है पूरा, तो गाइस इतना ही था हम लोगों का इस एरिया में, यहां बंगला था। हाँ मैंने आपको जैसे बोला था यहाँ पे एक बड़ा सा बंगला हुआ करता था, और यहाँ पे क्वार्टर भी था, यहाँ पे हाजिरी देता सब लोग, और अभी तो सब टूट गया, पूरा रियून हो गया एकदम, सही नहीं, आगे एक पेड़ भी गिरा हुआ है, और इधर से रास्ता है अभी, यहाँ पर बस इतना ही, ऑफिस खत्म हो गया, हाँ यहाँ पे एक ऑफिस भी था वो भी खत्म हो गया पूरा। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।